नमस्कार, नेशन 30 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 30 अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। लखनऊ में अमित शाह ने बीजेपी का लोक संकल्प पत्र नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी, किसानों को देने वाले लोन पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, हमें भरोसा है कि यूपी की जनता मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम है लोक कल्याण संकल्प पत्र। पंजाब में चुनावी घमासान लगातार पेचीदा होता जा रहा है। राज्य में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे ही राजनेताओं के सियासी हमले अपने विरोधियों पर बढ़ रहे हैं। जलालाबाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बादल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बादल सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, वी प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल पर जमकर बरसे। बीजेपी के गोरखपुर से पार्टी के सांसद और पूर्वांचल के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के समर्थक बीजेपी से अब नाराज हैं। योगी से जुड़े संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू युवा वाहिनी अब प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने जल्लीकट्टू प्रदर्शन के मामले में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्लीकट्टू आयोजित कराने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों और हिंसा के लिए देश विरोधी, असामाजिक और चरमपंथी तत्व जिम्मेदार हैं। पनीरसेल्वम ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भटकाने की कोशिश करने वाली बुरी ताकतों की पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सैन्यकर्मियों की शिकायत को जानने के मद्देनजर एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू करी है। इस हेल्पलाइन का नंबर है 9643000008। इस हेल्पलाइन के जरिए सेना में काम कर रहे लोग अपनी शिकायतों को सीधे सेना प्रमुख तक पहुंचा सकते हैं। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने अब जवानों से सीधा संपर्क भी साध सकेंगे। बजट की तैयारियों के दौरान नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय के प्रेस पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसके साथ ही बजट पर काम कर रहे अधिकारियों को सभी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। बजट की तैयारियों के दौरान सरकार जितनी सावधानियां बरतती है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी की शुरुआत के साथ ही वित्त मंत्रालय में पत्रकारों पर कई पाबंदियां लग जाती हैं, ताकि बजट से जुड़ी कोई जानकारी या कोई कागजात लीक न हो। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में सरकार बनाने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली ये पार्टी सरकार चलाने में विफल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आप अब आम आदमी पार्टी नहीं रही है, ये खास आदमी की पार्टी बन गई है। दिल्ली जाइए और देखिए कि ये लोग किस तरह से सरकार चला रहे हैं। जालंधर में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आपका सहयोग और मदद मांगने आया हूं। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मैं अकेले से नहीं लड़ सकता। मोदी ने कहा, कांग्रेस अब इतिहास बन गई है और अपनी आखिरी सांस गिन रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर यूपी चुनाव तक बजट पेश न करने की मांग की है। अखिलेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अगर चुनाव से पहले बजट पेश होता है तो यूपी के लिए आप किसी योजना का ऐलान नहीं कर सकते, ऐसे में यूपी को बड़ा नुकसान होगा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश से सर्दी ने दोबारा वापसी कर ली है। आसपास के इलाके में शीतलहर के बाद कोहरे की चादर फैली हुई है। शनिवार सुबह से ही दिल्ली में जबरदस्त कोहरा है। कोहरे के चलते दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ा है। 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 2 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। कोहरे ने हवाई यातायात पर भी बुरा असर डाला। दिल्ली के बाद गाजियाबाद में एक भयानक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक ऑटो में टक्कर मार दी है, जिससे एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। यह ऑडी कार एक डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए, तो ऑडी कार भी सामने से टूट फूट गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उधम सिंह की कछुआ विधानसभा सीट के बाद हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से भी नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन के अंतिम दिन सीएम हरीश रावत अपनी पत्नी रेणुका और बेटी अनुपमा के साथ हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में समर्थक हरीश रावत के साथ मौजूद रहे। हरीश रावत ने नामांकन करके हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के विकास की बात कही। उत्तराखंड के रुड़की में एक पूर्व सैनिक अपनी फरियाद लेकर पिछले 15 दिनों से रुड़की पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। पीड़ित पूर्व सैनिक रमेश का आरोप है कि उसके बेटे पर कुछ दबंग लड़कों ने लाठी डंडों और हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में पीड़ित युवक को देहरादून रेफर किया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।
विधानसभा चुनावों की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे ही वैसे राजनीतिक दल सक्रिय होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा सहित दूसरी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी हैं और प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं रुड़की विधानसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी ने पूर्व विधायकों को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बसपा और सपा ने भी अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण से सभी पार्टियों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं देवरिया के सलेमपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजयलक्ष्मी का टिकट काटने को लेकर जनता का आक्रोश भी देखने को मिला है। सलेमपुर के बीजेपी प्रत्याशी विजयलक्ष्मी का भी ये कहना है कि हमें जनता का आशीर्वाद है और हम निर्दलीय ही लड़ेंगे। यूपी के बुलंदशहर में कल से परेशान एक सोने के व्यापारी ने सुनसान इलाके में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। व्यापारी के पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस इसे आत्महत्या मानकर इसकी जांच कर रही है। हालांकि मृतक के परिजनों ने आशंका जताई है कि हत्या हो सकती है। दरअसल बुलंदशहर के खुर्जा में व्यापारी नरेश रंग सोने के आभूषणों का कारोबार करता है। बताया जा रहा है कि नरेश में लाखों रुपए का कर्ज था, जिससे परेशान होकर नरेश ने घर से निकलकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यूपी के वाराणसी में किसानों को खेती की नवीनतम तकनीक की जानकारी और खाद का संतुलित इस्तेमाल और कम लागत और ज्यादा मुनाफे जैसी तमाम जानकारी देने के लिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में एक दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए किसानों ने हिस्सा लिया। इस मेले में अलग अलग संस्थानों और निजी संस्थानों ने करीब 44 स्टॉल लगाए। यूपी के संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हादसा होने से बच गया। हुआ ये कि दोपहर करीब 1 बजे सद्भावना एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंची और निर्धारित ठहराव के बाद रवाना भी हो गई। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा तो लोगों ने देखा कि इस स्थान पर पटरी टूटी हुई है। सूचना आपके तरफ फैल गई। मामला अफसरों के संज्ञान में आया तो उनके होश उड़ गए। तत्काल सच्चाई का पता लगाने के लिए रेलवे अफसर मौके पर भी पहुंचे। लोक निर्माण विभाग ने कालसू चक्राता मार्ग से सहिया बाजार में स्थित पुराने पुल पर मरम्मत कार्य कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस पुल की हालत काफी खराब है। ब्रिटिशकालीन इस पुल को अब नए सिरे से बनाया जा रहा है। प्रशासन ने पुल के निर्माण कार्य को देखते हुए यातायात को भी डायवर्ट करने के लिए एक वैकल्पिक पुल का भी निर्माण किया। इलाहाबाद के बीजेपी सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने पत्नी और बेटे को टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। श्यामाचरण ने पार्टी पर टिकट बांटने को लेकर कई संगीन आरोप लगाते हुए पार्टी के कई सांसदों के परिजनों को टिकट मिलने की बात कही। उन्होंने टिकट बंटवारे में पार्टी के द्वारा उनकी अनदेखी किए जाने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में शराब की खपत अधिक होती देखकर तस्करों ने शराब तस्करी के नए नए तरीके आजमाने शुरू कर दिए हैं। चेकिंग के दौरान न पकड़े जाने वाली शराब को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 102 पेटी बरामद की तो पुलिस भी दंग रह गई। शराब तस्करों ने टाटा 709 को मॉडिफाइड करके चारों ओर ईंट की दीवार लगाकर उनके बीच अंग्रेजी शराब की पेटियां भर के तस्करी शुरू कर दी। हापुड़ के गांव महमूदपुर में 15 गांवों के सैकड़ों लोगों ने रेलवे विभाग के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में पहुंचे अधिकारियों को पंचायत के लोगों ने बंधक बना लिया और उनको पंचायत में बैठा लिया। हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव महमूदपुर में रेलवे की ओर से कंडरा ग्राउंड रास्ता बनाया जा रहा है, जिस रास्ते पर कई गाँव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कंडरा ग्राउंड के रास्ते की वजह से कई हादसे भी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी रेलवे विभाग के अधिकारी आंखें बंद करके बैठे। नू स्थित गौशाला रोड में मुख्य बाजार में वैन कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। 8 सीटर इस गाड़ी के चालक ने तो कूद कर जान बचा ली, लेकिन गाड़ी में रखे सीएनजी गैस के 2 सिलेंडर में आग फैल गई। इन सिलेंडर में आग फैलने की वजह से मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधियों के पास से 1 देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल, 1 बाइक बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने आदर्श नगर से कवैद अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। जयपुर के जड़गांव किले में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग का विरोध कर रहे राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली के साथ बदसलूकी की। राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने संजय लीला भंसाली को थप्पड़ जड़े। बताया जा रहा है कि राजपूत सेना के कार्यकर्ताओं ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब संजय लीला भंसाली और उनकी टीम जयपुर के जयगढ़ के किले में अपनी फिल्म पद्मावती की शूटिंग में व्यस्त थे। महानायक अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की हालिया रिलीज फिल्में रईस और काबिल की प्रशंसा की। अमिताभ ने ट्विटर पर साझा किया कि उन्होंने फिल्म रईस में शाहरुख का गुस्से वाला अंदाज पसंद आया। अमिताभ ने लिखा कि बधाई हो शाहरुख, रईस ने आपका गुस्सा पसंद आया। फिल्मकार करण जौहर ने काबिल में अभिनेता ऋतिक रोशन की एक्टिंग की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रतिभा का भंडार कहा। करण ने ट्विटर पर ऋतिक के अभिनय की प्रशंसा की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि फिल्मकार के रूप में कहूंगा कि अभिनेता का अभिनय देखना सर्वश्रेष्ठ है। ऋतिक रोशन प्रतिभा का भंडार है, काबिल में उनका अभिनय बेहद शानदार है।
बॉलीवुड के उम्दा एक्टर्स में से एक ऋषि कपूर ने हाल ही में अपनी बायोग्राफी खुल्लन खुल्ला में अपनी जिंदगी के कई बड़े राज खोले। इसी में उन्होंने बताया कि एक समय उनकी और राकेश रोशन की दोस्ती में दरार पड़ गई। बायोग्राफी में बताया कि राकेश रोशन ऋषि कपूर से फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक के पिता का रोल करवाना चाहते थे। पोस्ट 2 में नजर आ चुकी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि किसी कलाकार के लिए स्टाइल स्टेटमेंट बनने की तुलना में कलाकार बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में पूछे जाने पर सोनाक्षी ने कहा, मुझे लगता है मैं जिस क्षेत्र में हूँ यहाँ जरूरी है लेकिन मेरे लिए शीर्ष पर नहीं। सोनाक्षी इन दिनों आगामी फिल्म नूर की शूटिंग में व्यस्त। अनिल कपूर अपने आने वाली फिल्म मुबारक में एक नए किरदार में नजर आएंगे। अनिल कपूर ने अपने इस लुक की एक फोटो भी शेयर की है। अनिल इस फोटो में नीले रंग की पगड़ी और डिजाइनर जैकेट पहने हुए हैं जिसमें वो सरदार के लुक में गजब नजर आ रहे हैं। अनिल कपूर ने अपने इस लुक की फोटो शेयर की। तो नेशन 30 में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए नेशन लाइव के साथ। नमस्कार।